है गाइस, दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं घर से निकल के अभी NH 27 के पास में हूँ। और आज के इस वीडियो में आपको ले जाना चाहता हूँ एक बहुत ही मज़ेदार प्लेस है जिसे कहते हैं बाइकर्स हिल। जो बाइकर्स वगैरह जो होते हैं, बाइकर्स के लिए एक बढ़िया सा प्लेस है। यहाँ से 40 किलोमीटर है मेरे घर से, जागी रोड मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट असम के वहाँ पर है वो। तो बाइकर्स के लिए काफ़ी बढ़िया प्लेस है, जो रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पे जो भी लोग राइड निकलते हैं तो वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। तो चलिए आपको वहाँ पे ले चलते हैं, कैसा लगेगा आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी। मैं दोस्त के लिए रुका हुआ हूँ, जैसे ही वो आता है स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मेरा दोस्त आ चुका है विष्णु। एक वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस किया था, विष्णु के साथ मैं जा रहा हूँ और मुझे उस प्लेस के बारे में तो ठीक से पता नहीं है। विष्णु मुझे गाइड करेगा। क्यों विष्णु, तुम आगे गया है? आगे तो गया नहीं हूँ, मगर गूगल मैप देख के हम चला जाते हैं। दोनों पहली बार जा रहे हैं तो आई थिंक आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आज वेदर काफ़ी कूल है। आज मुझे वेदर काफ़ी, एक ही फ़ायदा होता है मेरा, भगवान एक ही साथ देता है, जब भी निकलता हूँ वेदर ठीक रहता है, नज़र ना लगे नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है, आज का वेदर काफ़ी कूल। सो पहली बार विजिट कर रहा हूँ, दोनों ने मैप में, गूगल मैप में ही सब कुछ देख लिया था उसका एड्रेस, और उस प्लेस के बारे में हम लोगों को कहीं शायद फेसबुक वगैरह में कहीं मिला था, तो तभी हम लोगों ने उसका उस प्लेस के बारे में थोड़ा सा देखा तो बहुत काफ़ी मज़ा आया। तो वहाँ उसमें मुझे ये पता चला कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे काफ़ी स्पेशल डे में वहाँ पे जो बाइकर्स वगैरह होते हैं तो वो ऑलमोस्ट राइड पे जाते हैं, तो काफ़ी बढ़िया होगा, वहाँ जाने से ही पता चलेगा। आई होप वो प्लेस काफ़ी मज़ा आएगा, तो बने रहेगा, वीडियो में दिखाते हैं आपको। गाइस लुक एट दिस, सच ए अमेजिंग प्लेस यार। आज का वेदर और प्लस मतलब जो इन्वायरमेंट जो है ना, काफ़ी अट्रैक्टिव है। क्या यहाँ रुक सकता हूँ क्या? नहीं, चलो, बहुत ऑलरेडी वी आर बहुत टू लेट, सो डोंट वेस्ट अवर टाइम, समय नहीं है, जल्दी टर्न होना पड़ेगा। देखो दोस्तों, यहाँ से वीडियो में इधर से गाड़ी मैं चला रहा था और इधर जाने के लिए जो प्लेस पर हम जा रहे हैं इसका हाल देखिए, रास्ता का इधर क्या हाल है देखिए, अब कैसे जाऊँ यही सोच रहा हूँ, लेकिन आया तो जाना तो पड़ेगा ही। चलो जो है डायरेक्ट आपको वहीं पे दिखाते हैं प्लेस, इधर से मैं दिखा नहीं पाऊँगा, डायरेक्ट आपको मिलते हैं बाइकर चलते हैं। ओके गाइस, ये रास्ता जब देख रहे हो ना, हालत ख़राब हो गया है, और यहाँ पे देखो कितना रिक्स है, देखो यहाँ पे इधर से हमको पार होना है, मतलब काफ़ी रिक्स है, अच्छा प्लेस पर जाने के लिए काफ़ी रिक्स होता है। चलिए रिक्स लेना मुझे ऐसे भी पसंद है। ये देखिए यहाँ पर सीनरी काफ़ी सुंदर लग रहा है, लेकिन इधर जो रिक्स है ना, ये काफ़ी रिक्स है, इसको इधर के लोग क्यों नहीं ऐसे बोलते हैं पता नहीं, कब बनेगा पता नहीं, ऐसे तो बना देना चाहिए सब, पता नहीं जगह को क्या बोलते हैं मुझे भी पता नहीं। तो चलिए वहीं पे आपको डायरेक्ट ले चलते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये दोस्त ने के वीडियो में क्या बोल रहा है कि देखिए उधर ब्रिज के सामने जो एक जो पेड़ है वो बोलता है कि इधर से नीचे है पानी, ऊपर है ब्रिज, और दोनों के बीच में वो कैसे प्लांट, इतना बड़ा ट्री कहाँ से आया, वो सोच रहा है क्या, कॉमेडी कर रहा है। तो चलिए इतना लेट करना नहीं है, डायरेक्ट चलते हैं वहाँ पे बाइकर सील पे। गाइस आगे में बाइकर सील है, तो उससे पहले मैं तो आपको दिखा नहीं पाया, कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ से जस्ट और आधा किलोमीटर है वो जो बाइकर्स का है प्लेस, तो अब यहाँ पे एक छोटा सा एक मंदिर है, तो वो मंदिर के सामने इधर से मैंने दिखा नहीं पाया, लेकिन गाइस काफ़ी मेहनत हुआ उठने में, देखिए वहाँ से एकदम नीचे में गाइस, नीचे से हम लोग उठ के आए यहाँ पे, और काफ़ी जो है ना स्लिप थोड़ा कर रहा था, इसलिए मैंने चप्पल वहीं पे बीच में ही खोल दिया, हेलमेट वगैरह लेके आया, तो हेलमेट का तो कोई गारंटी नहीं है, चोरी हो सकता है कोई भी। सो गाइस यहाँ से जो नज़ारा है ना, इतना ब्यूटीफुल है मैं कुछ बता नहीं सकता, वो आगे में क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो व्यू है काफ़ी अट्रैक्टिव है, इतना नज़दीक में है, 40 किलोमीटर करीब है मेरे घर के सामने, लेकिन मुझे पता नहीं था गाइस, तो ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट आपको वहाँ ले चलूँगा, फिर जाते जाते बस थोड़ा सा ये व्यू थोड़ा सा देखें क्या मज़ा ले लीजिए। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं, लगभग पहुंच चुके हैं, 300 मीटर और थोड़ा आगे जाना है, तो उस पहाड़ के पीछे में है मतलब, तो देखिए कहाँ पे पहुँचा है, कहाँ स्टार्ट किया था, देखिए चारों तरफ देखिए कैसा लग रहा है आपको। गाइज एकदम उधर उधर जाना है हमको, और ये जो
जो जो जो नज़ारा है, जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो ऐसा मिलता है नहीं। अब बोलते हैं ना आसाम इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ओके, और यहाँ पे जो जैसे नेचर का जो आनंद जो है वो कहीं दूसरे स्टेट में मिलता नहीं है। यहाँ का जो नेचर लगभग बहुत अलग है कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स। तो लुक एट दिस प्लेस, वन द फाइनेस्ट प्लेस। तो अभी उसका मज़ा लेने वाले, लुत्फ उठाने वाले हैं हम लोग। तो चलिए आपको ले चलते हैं वहाँ पे। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं जगह पे। ये जो आप देख रहे हैं पीछे में जो पहाड़ जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं काफ़ी, देखिए बहुत अलग है ये कंपेरिजन टू अगर दूसरा प्लेस में आप जाते हैं तो ये जो प्लेस जो है आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट भी है। अभी मुझे पता चला है एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी इसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हर साल मतलब जैसे ही एक नया साल आता है तो यहाँ पे जो लोग हैं आसपास के लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने भी आते हैं, और ये राइडर्स के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेस है। यहाँ आके लोग आराम से रेस्ट ले सकते हैं। सो इस प्लेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नौगांव साइड से आ रहे हैं तो ये आपका लगभग आपका 60 किलोमीटर होगा, और आप गुवाहाटी साइड से अगर आ रहे हो आप तो आपका लगभग आपका वो भी 65 किलोमीटर होगा। तो लगभग दोनों तरफ से सेम है जगह। तो यहाँ पे देख सकते हो, इधर पीछे में देख सकते हो, यहाँ पे पीछे में जो बच्चे दो को है साइकिल वगैरह लेके आए हैं, तो वो लोग पहाड़ पर चढ़ गए हैं। तो हम लोग भी थोड़ा ट्राई करेंगे अभी चढ़ने के लिए, थोड़ा रिस्क होगा क्योंकि ये सब में हम लोग का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो चलिए ट्राई करते हैं। गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि इधर में पहाड़ के ऊपर में उधर जो है इधर चढ़ जाते हैं, कोई कोई लगभग चढ़ जाते हैं जिसका एक्सपीरियंस हो, लेकिन हम लोग के बस में का बात नहीं है इस माउंटेन पे चढ़ने के लिए। इधर में भी बच्चे चढ़े हुए हैं। ए फले उठी बोले किन रास्ता से ए फले उठी सा बा घोड़े फले नहीं की घोड़े आते हैं मैंने ए फले उठे नहीं की सबे ए फले जो है एने के रास्ता से नहीं इफले हुआ से। गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे जो उठे हुए हैं ऊपर में, पूरा ऊपर में देख सकते हो, पीछे में देख सकते हो बच्चे जो उठे हुए हैं वहाँ पे। सो ये लोग इधर से चढ़ गए हैं, इधर इस साइड से, लेकिन हम लोग का बस का बात नहीं है क्योंकि यहाँ गिरने से कोई उठाने वाला भी कोई नहीं है ऐसा जगह पे हम लोग। तो इधर से जो इधर जो भी जो देख रहे हैं जंगल, उधर से मुझे उठना पड़ेगा ऊपर में। तो थोड़ा सा चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लेस है ना, इधर तो लग रहा है बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट है। तो गाइस ये मतलब इतना एट्रैक्टिव है ये प्लेस, मैं क्या बोलूँ, जो सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। इधर देख सकते हो जो पानी का जो बहाव है, कोई झरना नहीं है, बस उधर से पानी कहाँ से आ रहा है पता नहीं, लेकिन इधर देखिए काफ़ी इसका एक साउंड, एक जो है पानी का जो साउंड आता है ना, काफ़ी मज़ा आता है। तो वो यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे आपका जो, आपको तो पहले बता दिया, ये एक पिकनिक स्पॉट भी है, पिकनिक भी मनाते हैं अपना मनाने आते हैं यहाँ पे। और बाइकर्स हिल कहते हैं क्योंकि जो बाइकर्स वगैरह जो है यहाँ पे, तो यहाँ लुत्फ उठाने आते हैं, यहाँ आराम से लोग रेस्ट वगैरह ले सकते हैं आराम से, और फोटोशूट के लिए भी एक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस, मतलब वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस। अगर कोई फोटोग्राफर्स है, किसी को फोटोशूट करने का बहुत मन है, यहाँ पे फ़ोटो उठने का मन है, तो यहाँ पे आराम से लोग मज़ा ले सकते हैं कि यहाँ पे तो मैं भी आया हूँ तो भाई मुझे भी कुछ फ़ोटो उठना ही पड़ेगा। तो प्लेस इतना एट्रैक्टिव मतलब मैं बता नहीं सकता। चलिए पूरा ऊपर क्लाइंब करेंगे, ऊपर में अब ऊपर जाएंगे और वहाँ से देखते उसका नज़ारा कैसा लगता है। चलिए गाइस हम लोग, मैंने बहुत ट्राई किया उधर उठने के लिए, तो उधर काफ़ी जंगल है, तो उधर ठीक से पता, उधर आई लड़का से पूछा कि क्या उधर जा सकता है, तो बोला काफ़ी जंगल उधर नहीं जा सकता। तो इधर कोई जो भी इधर से जो लोकल है या कोई भी आते हैं जिसका हैबिट होता है क्लाइंब करने का, तो इधर से ही उठते हैं। सो मैंने छोड़ दिया है, अभी नहीं करूँगा कि बिकॉज मैं घर में बताया ही नहीं कि ऐसा प्लेस में आया हूँ, तो बिना बताए हुए डायरेक्ट आया हूँ। सो बिना घर में बताए हुए एक काम करने से वो दिक्कत होगा, तो मैं तो नहीं उठूँगा, लेकिन दोस्त जो है वो रेडी है, काफ़ी बोला कि मत उठो, फिर भी डर लगता है सब प्लेस में। चलिए वो सब निगेटिव बात नहीं बोलने से ही ठीक होगा, तो थोड़ा सा देख ही लेता हूँ, अगर दिक्कत होगा तो उसको भी मना कर दूँगा, तो दिखाता हूँ आपको। गाइस मैंने दोस्त को भी मना कर दिया क्योंकि हम लोग बिना बताए घर से इधर आ गए ऐसा प्लेस में, तो बिना बताए हुए ये सब जगह पे ऐसा माउंटेनिंग क्लाइंबिंग करना ये ठीक नहीं रहा है, ये ठीक नहीं होगा। तो वीडियो को मुझे यहीं समाप्त करना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई कोई है कि व्यूज़ देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, डीमोटिवेट मत करो यार, बहुत मेहनत से आता हूँ ऐसा प्लेस में यार। तो ठीक है कोई बात नहीं है, और नेक्स्ट संडे में फिर बढ़िया सा प्लेस में ले जा रहा हूँ आपको।
तो इस तरह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ओके, तो जाते जाते ये कंप्लीट व्यू आपको दिखा देता हूँ, तब तक बाय बाय।